ପରେ ହଁ ହେବ ଖାଲି ଚାଲିବା ଆଉ ଛଅଟା ପରେ ଆସିବ ହଁ करने के बाद हम थोड़ा थक जाते हैं तो थोड़ा बैठ कर इधर रेस्ट करते हैं, मोबाइल में थोड़ा गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं। गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने के बाद मोबाइल थोड़ा सा मोबाइल को मोबाइल में लग जाते हैं 10-15 मिनट तक, उसके बाद ही हमारा काम होता है। वैसे भी हमको मंदिर जाना है इसीलिए जगह कुछ नहीं, और इधर आकर बेडशीट को भी लगा रही थी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म होगा तो जल्दी जल्दी हम मंदिर जाएंगे। वो भी हम कौन कौन जाएंगे आगे आप लोग देखिएगा तो आपको पता चलेगा, कंटिन्यू कीजिए आप लोग तो आपको पता चलेगा हम कौन कौन गए थे और क्या क्या करे थे। ये सब आप लोग वीडियो का कंटिन्यू करोगे तो जान जाओगे। वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से हैप्पी सोमवार, हैप्पी सावन। तो चलिए इस आज तो सोमवार, लास्ट सोमवार सावन महीने की, तो हम चलते हैं सब मिलकर और आप भी हमारे साथ चलिए। बहुत तो गर्मी हो रहा है सावन के महीने में, बिल्कुल ही बारिश नहीं है। तो अभी मैं पहनी हूँ ये साड़ी और इसके साथ ही मैं जाऊँगी। देखिए वाला है, हम उल्टा प्याज लहसुन से सब कुछ करते हैं। कुछ मुझे ज्यादा साफ सफाई करना नहीं पड़ता है। बॉयल करने के लिए मैं बैठा दी हूँ और इधर मैं सोची कि नहीं, मैं मंदिर जाने से पहले ये सब कटिंग करके रख देगी और आने के बाद खाना बनाना ऐसे ही होगा, अच्छा होगा। मतलब मुझे ज़्यादा कुछ करना, मतलब कटिंग वटिंग करने तो जल्दी ही खाना बन जाएगा।
यही सोचकर मैं दालमा को कट कर दी हूँ, दालमा के लिए सब्जी कट कर दी हूँ, और भाजी के लिए कुंदूर और आलू की भाजी के लिए मैं कटिंग कर दी थी, कुंदूर और आलू और बरबट्टी भी दी थी, झुड़ंग झुड़ंग भी दे दी थी, और एक थोड़ा मैं तो जल्दी निकल जाती हूँ, जो हमारा फ्रेंड लोग ना वो जल्दी नहीं निकल पाते हैं, घर का काम भी रहता है ना, थोड़ा लेट होगा 9:30 बजे हम जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए सब रेडी हो रहे थे, मतलब हम तो रेडी हो गए थे, हम आपके सामने तो मैं बाल वगैरह बना रही थी, अलका भी लगाई हूँ सारे में लगाई, उसके बाद ये देखिए हम 9:30 बजे पहुँच गए मंदिर, शिव जी की दर्शन भी कीजिए, और सावन महीने का सोमवार में देखिए इधर भी आप शिव जी का भी दर्शन कीजिए, खूब सारा प्यार लीजिए, आशीर्वाद लीजिए भगवान शिव जी के, शिव जी से। तो ये सारे मतलब इधर 3 जगह पर हो रहा था, पूजा हो रहा था सावन महीना ना, और बहुत ही भीड़ भाड़ भी था, 3 जगह इसीलिए पूजा हो रहा था, जो कावड़िया सब जाते थे इसीलिए। ये देखिए मैं जा रही थी, पूजा खत्म मेरा हो गया था, ये देखिए मेरा ये हमारे फ्रेंड लोग, तो आप लोग देखे हो, ये हमारा मॉर्निंग जो वॉकिंग फ्रेंड है, उधर तो हम एक्सरसाइज भी करते हैं, मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बातें भी करती हूँ, और इधर हम सब इधर दे रहे थे, भोग दे रहे थे, तो हम सब खा रहे थे, खा कर चले आए, तो मैं भी बसा। ये मतलब हम मंदिर से लौट रहे थे और लौट भी आए हैं, और आज एक मज़ेदार बात हुई, हम तो खाए खाने जो भोग खाए, भूखन मेरे कपड़े भीग गया था, ये सारी इतना पूजा हो रहा था ना, पानी वगैरह नीचे गिरा था तो मेरे कपड़े भी भीग गया था सारी, उसके बाद ये मैं कपड़े को सुखा रही थी। और एक बात मज़ेदार बात है कि भोग तो हम खाए, खाने के बाद हम एक और भोग लेकर आ गए, मैं भी लेकर आई, हमारे सारे फ्रेंड एक एक भोग लेकर आए थे, तो वही भोग से ही मेरा जो लॉन्च भी हो गया, तो मैं सोची नहीं ले आई, तो वो हमारे डॉगी को भी दी थी, तो वही वाला ही हमारा हो गया डे में, जो मैं दालमा बनाने वाली थी, जो भाजी बनाने के लिए कटिंग करके रखती थी नहीं करी, क्योंकि जो मैं लेकर आई थी ना उसी में से हमारा तो हो गया था। और अभी डिनर में जो मैं भाजी को बनाई, दालमा नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं बनाऊंगी तो 2 टाइम रह जाएगा और ज़्यादा रह जाएगा, सोची कि नहीं भाजी और दूध के साथ ही मैं रोटी खाऊंगी, और इतना गर्मी हो रहा था तो देखिए मुंह भी धो रही थी, इस टाइम तो हम तो उधर खा कर आ गए थे, और ये कपड़े को सुखाई और धुल भी, कपड़े को भी चेंज कर दी, तो मुझे रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद मैं सब चली गई, सबसे आने के बाद वो जो ब्लाउज को कटिंग करके रखती वो ब्लाउज को मैं सिलाई कर रही थी, और आज इतना करंट अप डाउन हो रहा था हमारे एरिया में, इतना अप डाउन हो रहा था कि हमारा जो इन्वर्टर भी नहीं चल रहा था, मतलब चार्ज भी नहीं हो रहा था ना, इसीलिए मैं फैन लगा दी तो टी 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 आवाज़ हुआ, मतलब रेड बैटरी रेड दिखाई दिया कि चार्ज नहीं, क्या करें। मैं इधर सिलाई कर रही थी तो इतना पसीना निकला कि मुझे सिलाई करने का मन भी नहीं किया था, नहीं करी, मतलब जो सब कप वगैरह जोड़ाई वगैरह सब करने वाली थी, गर्मी के कारण पसीना निकल रहा था, तो मुझे करने का नहीं मन किया था, छोड़ दी हूँ, अभी देखती हूँ, अभी करूँगी, इसे थोड़ा करके मैं सिलाई कर रही हूँ। ऐसा ही हमारा काम होता है, और हम जो भी करते हैं आप लोग के सामने तो शेयर करती हूँ, आप लोग भी देखे होंगे
जो मेरे चैनल पर न्यू विजिट करते हैं ना, वो तो आप लोग देख रहे हो ना, जो पुराने वाला तो देख रहे हैं। और मुझे कमेंट बार बार आ रहा है कि आप जो कस्ता साड़ी पहनो, कस्ता साड़ी पहनो। नहीं जी, अभी नहीं पहन पाऊँगी, मुझे मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए नहीं पहन रही हूँ। नहीं हो पा रहा है ना, इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ। पहले तो कर लेती थी, क्योंकि उस टाइम क्या था, लॉकडाउन था, इसी वजह से चलो करते हैं। जब मुझे भी मन कर रहा था, आजकल मन नहीं कर रहा है। घर की काम करते करते तो मुझे टाइम निकल जाता है, मैं कहाँ करूँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। और ऊपर से हम इतने जल्दी उठ जाते हैं, दोपहर को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करो ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जितना हमको सोना चाहिए उतना नहीं सोएंगे तो हमारा तबीयत भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं वो सब ताम झाम करूँगी तो तबीयत ही खराब, बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगा। किसी दिन मैं करूँगी, आप लोग बार बार बोल रहे हो तो किसी दिन मैं कस्ता साड़ी पहन कर खड़ा हो जाऊँगी, लेकिन कुछ काम नहीं करता हूँ। आप बोल रहे हो ना मैं करूँगी, तो ये सारे सेटिंग करके कर रही हूँ। हम इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना भी हम सीखे हैं आराम से किसी का ब्लाउज भी सिलाई करके दे देंगे। नई बात है जी। और सिलाई करने के बाद मैं क्या हुआ ना, ये सिलाई करी, सिलाई करने के बाद मैं लॉन्च करी, लॉन्च करने के बाद ही इतना बारिश हुआ, बहुत गर्मी हो रहा था, पसीना, इतने दिनों से पसीना नहीं निकला था, लेकिन आज निकला था मेरा। कैसे बारिश हो रहा है देखिए, दो बार बारिश हो भी हो रहा है, इतना तेज धूप हो रहा था, अभी बारिश हो रहा है। चलो अच्छा लग रहा है, इतना धूप, इतना तेज धूप। आज लास्ट सावन में यानी कि लास्ट सोमवार में धूमधड़ा बारिश हो रहा है, बहुत ही बारिश। चलो अच्छा है, धान तो होगा कम से कम। ये जो बारिश ना दोपहर को ही हुआ था, और ये 4 बजे, ये 5 बजे में लगा रही थी, झाड़ू लगा रही थी, 5:30 लगा रही थी। इस टाइम जो इतना बारिश भी हुआ, बीच में तो बहुत धूप हो रहा था ना, बारिश हुआ तो पानी भी सूख गया था एकदम से। तो ये झाड़ू लगाई थी उस टाइम तो बारिश में ये भीग गया था ये पट्टी को, लेकिन अभी सूख गया है। तो उसको झाड़ू लगा रही थी, मैं चाय पी ली थी, और उसके बाद ही ये जो झाड़ू लगा रही थी। चलिए अभी रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।